हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल माइंड शेपर में। आज का जो वर्ड है वो है मलिग्नेंट। मलिग्नेंट तो मलिग्नेंट के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक होता है घातक, तो जब हम किसी बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो मलिग्नेंट का मतलब होता है घातक, और जब किसी व्यवहार के संबंध में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कपटी या दुर्भावनापूर्ण। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अ मलिग्नेंट ट्यूमर कैन इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय नियर बाय टिश्यूज। एक घातक ट्यूमर आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है मलिग्नेंट ट्यूमर, घातक ट्यूमर। एक और वर्ड इसमें है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिस मलिग्नेंट एटीट्यूड विल टर्न यू अवे फ्रॉम यूर फ्रेंड्स। यह दुर्भावनापूर्ण रवैया आपको अपने दोस्तों से दूर कर देगा। तो यहाँ पर व्यवहार की बात हो रही है। मलिग्नेंट एटीट्यूड मतलब दुर्भावनापूर्ण रवैया। एटीट्यूड का मतलब जो होता है वो होता है रवैया। अब हम कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में से सेंटेंसेस जो हमने पिक किए हैं उनको देखते हैं कि किस तरीके से मलिग्नेंट वर्ड को यूज़ किया गया है। तो यह है हिंदू 1 नवंबर 2011 से। In the short space of an article, one can only highlight and emphasize a few major provisions which are insidious and malignant in the government Lokpal bill. एक लेख की कम जगह में केवल कुछ प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डाला जा सकता है और उन पर जोर दिया जा सकता है जो सरकारी लोकपाल बिल में कपटपूर्ण और घातक हैं। तो यहाँ पर जो हमारा insidious and malignant, इसका मतलब है कपटपूर्ण और घातक। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड जो मलिग्नेंट के अलावा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वो है एक प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर फ्यू मेजर प्रोविज़न, कुछ प्रमुख प्रावधान, और दूसरा वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है कपटपूर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सेंटेंस लिया गया है एक न्यूज़ आर्टिकल से जो कि पब्लिश हुआ था द हिंदू में 9 नवंबर 2017 को। तो क्या कहता है ये, 11.6% ऑफ फिशरमैन रिसाइडिंग इन कोस्टल विलेजेस हेयर हैव पोटेंशियली मलिग्नेंट डिसऑर्डर्स इन ओरल कैविटी। यहाँ के तटीय गांवों में रहने वाले 11.6% मछुआरों को मुंह में छेद का संभावित घातक विकार है। ठीक है, तो यहाँ पर मलिग्नेंट का मतलब हुआ मलिग्नेंट डिसऑर्डर मतलब घातक विकार, पोटेंशियली मलिग्नेंट डिसऑर्डर मतलब संभावित घातक विकार। ठीक है, तो यहाँ पर मलिग्नेंट के अलावा, मलिग्नेंट को हमने किसी बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, किसी बहुत ही घातक बीमारी के, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया मलिग्नेंट डिसऑर्डर, घातक विकार। दो और वर्ड जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वो है कोस्टल एंड पोटेंशियली। कोस्टल का मतलब होता है तटीय इलाका, तटीय, और पोटेंशियली का मतलब होता है संभावित। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिस इज़ फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया 29 अप्रैल 2020। तो उसके एक न्यूज़ आर्टिकल से सेंटेंस लिया गया है। कीमोथेरेपी यूज्ड टू ट्रीट कैंसर हेल्प्स एग्रेसिवली टारगेट द मलिग्नेंट सेल्स एंड प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। कैंसर का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीमोथेरेपी घातक कोशिकाओं को आक्रामक रूप से रोकने में मदद करती है। ठीक है, तो मलिग्नेंट सेल्स, तो यहाँ पर भी किसी बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है मलिग्नेंट सेल्स मतलब घातक कोशिका। ओके, तो घातक कोशिकाओं को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा जो कैंसर के इलाज की कीमोथेरेपी है वो उसको रोकने में मदद करती है। तो ये जो है इस सेंटेंस में बताया गया है, और मलिग्नेंट को यूज़ किया गया है एक बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में, विच इज़ घातक। ठीक है, एक और वर्ड है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ एग्रेसिव, एग्रेसिवली टारगेट। ठीक है, तो आक्रामक रूप से, सो एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल, ये जो सेंटेंस है, ये आर्टिकल से लिया गया है, विच वॉज पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स ऑन 29 मई 2018। और इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, द इंसिडेंस ऑफ मलिग्नेंट मेलानोमा इज इंक्रीजिंग विद एन एस्टिमेटेड 232,000 न्यू केसेज वर्ल्ड वाइड एंड अराउंड 55,500 डेथ्स फ्रॉम द डिजीज ईच ईयर। दुनिया भर में अनुमानित 232,000 नए मामलों और हर साल बीमारी से 55,500 लोगों की मौत के साथ घातक
मेलेनोमा की घटना बढ़ रही है, राइट। तो मलिग्नेंट मेलेनोमा, मेलेनोमा एक बीमारी है, एक चमड़ी पर कोई गहरा दाग हो जाता है जिससे कि कैंसर का इंडिकेशन भी हो सकता है, उसको बोलते हैं मेलेनोमा, राइट। तो मलिग्नेंट मेलेनोमा मतलब घातक मेलेनोमा, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया गया है। सो ये था मलिग्नेंट के बारे में। आज से हम अपने वीडियो में एक नया सेक्शन ऐड करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्विज टाइम। इस क्विज टाइम में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रीवियस वीडियोस में वर्ड हमने डिस्कस किए हैं उन वर्ड्स में से हम कुछ वर्ड्स को पिक करेंगे, 2-3-4 मैक्सिमम, और उन वर्ड्स को क्विज की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे विद ऑप्शंस। आपको क्या करना है, आपको रिकॉल करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, और कुछ केसेस में आपको पिक्चर शो की जाएंगी जिसमें कि जिसके लिए आपको इंग्लिश वर्ड, जो करेक्ट इंग्लिश वर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी जो प्रीवियस वीडियोस में जो भी आपने स्टडी किया उसको रिव्यू करने की, उसको रिवाइज करने की। सो आई होप दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा हर एक वर्ड के लिए, ठीक है, उसके बाद उसका आंसर जो है आपको बता दिया जाएगा। सो द फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फियास्को? ए मूर्खता, बी असफलता, सी उदासीन, या डी लड़ाई। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। सो फियास्को का करेक्ट मतलब होता है असफलता। अगर आपको ये रिकॉल नहीं कर पाए आप, या आपको इसके बारे में नहीं पता और इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है एग्जांपल्स के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ऊपर आई कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो यहाँ पर देखिए, अब किचन में यूज होने वाला एक पलटा दिखाया गया है और हमको ये बताना है कि भाई जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, ए पैन, बी विस्क, सी स्पैटुला, या डी फोक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका है सी स्पैटुला। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्विज। अगर आपको स्पैटुला के बारे में जानना है तो आप अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरा लिंक है जिसमें कि किचन में यूज होने वाले जो आइटम्स हैं उन सब के बारे में बताया गया है, हर एक आइटम का इंग्लिश वर्ड क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं वो एक्सप्लेन किया गया, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो अगर आपको ये हमारा नया सेक्शन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा। कुछ और सुझाव है आपके पास इसको इम्प्रूव करने के लिए वीडियो को, तो आप वो भी हमको बताइएगा, हम जरूर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो मलिग्नेंट वर्ड है उसका भी यूसेज बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और आप उसको अपने रियल कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोस के बारे में इंटीमेशन नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप और नए वर्ड्स इंग्लिश में सीख पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन विद ए न्यू वर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।